हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चर होता है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, पेल्विक रीजन में होता है। मैं पेल्विक रीजन को आपको समझा चुका हूँ कि ये किस प्रकार का रीजन है, पेल्विक रीजन कहलाता है। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इज सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ऑर्गन्स हैं उनमें कितने ऑर्गन्स जो हैं वो मतलब हेल्प करते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इंक्लूडेड हैं या रिलेटेड हैं। तो उसको हम देखने के, यहाँ देखिए मैंने पूरी लिस्ट लिख दी है। पहला है ए पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ए पेयर ऑफ ओवरीज का मतलब होता है ओवरीज का एक पेयर होगा, यानी दो ओवरी होंगे। ठीक है, पेयर में होंगे ओवरी। दूसरा है ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक, ओविडक्ट भी क्या होगा, पेयर में होगा। ओविडक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी डक्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मतलब रिलेटेड है, और इसका काम होता है, ओविडक्ट का काम होता है कि जो एग प्रोड्यूस किया जाता है, जो एग प्रोड्यूस किया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, इसका काम है ओविडक्ट का। तीसरा पार्ट जो है वो है सर्विक्स है। फिर चौथा पार्ट है, सॉरी, यूट्रस है और सर्विक्स है। और अगला जो पार्ट है उसका नाम वेजाइना है। और जो नेक्स्ट है उसका नाम एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। और आगे लिखा है ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक अस्तन ग्रंथियां होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, ये पेयर में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर में जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए ओवरीज पेयर में है, ओविडक्ट पेयर में है, मेमोरी ग्लैंड भी पेयर में है। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सिंगल हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास इतने स्ट्रक्चर हैं, हमारे पास इतने स्ट्रक्चर हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है वो रिलेटेड है। ओके, अब आते हैं, अगर हम देखें तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स यानी ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स इन चीज़ों के लिए पाए जाते हैं। जैसे लिखा है कि ये सभी स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स सपोर्ट ओव्यूलेशन। ठीक है, इन स्ट्रक्चर की वजह से ओव्यूलेशन को सपोर्ट किया जाता है, ओव्यूलेशन को सपोर्ट किया जाता है, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को सपोर्ट करता है। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सब का यही काम है कि ओव्यूलेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, प्रेगनेंसी कराएंगे और जो चाइल्ड केयर है और उसकी जो बर्थ है उसके बारे में भी ये जो है वो हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन सभी स्ट्रक्चर्स का जो मतलब जो वर्क है वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन सभी को पढ़ते जाएंगे और हम उन्हें देखते जाएंगे कि क्या है, कैसा है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको बनाया है। अब देखिए लिखा है ओवरीज। ठीक है, ओवरी के बारे में देखिए मैंने यहाँ टॉपिक भी लिख दिया, ओवरीज। ओवरीज देखिए पहला है कि इट इज़ एलमंड शेप्ड। ठीक है, एलमंड शेप का मतलब होता है ये बादाम शेप का होता है, एलमंड शेप का होता है। इसकी जो लेंथ है वो है 2.4 मतलब 2 से लेके 2.4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 1.5 सेंटीमीटर इसकी विथ है और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। मैंने उसको कैपिटल लेटर में लिख दिया है। ठीक, आगे लिखा है कि ओवरीज अटैच्ड बाय यूट्रस। जो ओवरीज हैं वो यूट्रस से अटैच होती हैं, किसके द्वारा, तो आप बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा, ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होती हैं। आगे लिखिए, आगे यहाँ पे लिखा है कि जो ओवरी हैं इनकी जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं क्यूबिकल एपिथेलियम। यानी अब जो ओवरीज हैं उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, क्योंकि आप जानते हैं हर ऑर्गन्स के अंदर लाइनिंग होती है। ठीक है, तो वो जो लाइनिंग है उसे नाम, उसका नाम है क्यूबिकल एपिथेलियम। ठीक, और उस क्यूबिकल एपिथेलियम के अंदर बहुत सारे उगोनिया जो है वो पाए जाते हैं। उगोनिया ये एक ऐसी सेल्स है, उगोनिया ऐसी सेल्स है जो आगे चल के एग का निर्माण करेगी, उसे उगोनिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये एग का आगे चल के निर्माण करेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओवरी
दो पार्ट्स में या दो रीजन्स में डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। यानी ओवरी जो है वो दो पार्ट में या दो रीजन्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजीनिया और एक का नाम है ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजीनिया और एक होता है ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसमें से ट्यूनिका एल्बुजीनिया ये आउटर होती है, ठीक है, यानी बाहर की तरफ होती है, और जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है ये इनर की तरफ होता है, ठीक है, यानी अंदर बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओके, आगे देखेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना है हमें कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिए लिखा है कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो भी दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है, एक आउटर रीजन में और एक इनर रीजन में, ठीक है, एक आउटर में और एक इनर में। जो आउटर वाला पार्ट है वो डेंस होता है, कैसा होता है, डेंस होता है, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर वाला है वो लेस डेंस होता है, यानी कम डेंस होता है, जिसको हम मेडुला बोलते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है जो काफ़ी डेंस होता है, और जो मेडुला है वो इनर पार्ट होता है जो कि लेस डेंस होता है। और इस ओवेरियन स्ट्रोमा का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है, वो बहुत ही रिचली सप्लाइड होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा गहन तरीके से सप्लाइड होता है, किसके द्वारा, तो आप बोलेंगे ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसमें बहुत सारी स्मूथ मसल्स पाई जाती है, इसमें बहुत सारी नर्व्स फाइबर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओवेरियन से रिलेटेड होती है, ठीक है। मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, आप देखिएगा, ये देखिए आपके सामने यहाँ बनाया भी गया है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है ब्लड वेसल्स, देखिए ये जो ओवरी है ये आपका स्ट्रक्चर है ओवरी का, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ये देखिए बीच में सेंट्रल है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इसके अलग अलग पार्ट हैं, देखिए यहाँ पे एक नाम है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल का मतलब होता है जो उगोनिया है, जो मैंने अभी बताया था, ये देखिए यहाँ पे जो उगोनिया मैंने बताया था, ये उगोनिया जो है वो डेवलप होती है तो क्या बनाती है, प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। धीरे धीरे ये जो प्राइमरी फॉलिकल है डेवलप होता जाता है तो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉलिकल तब कहलाता है जब इसके बीच में एक कैविटी होती है जिसका नाम एंट्रम होता है, ठीक है। आगे चल के ये और डेवलप होता है, इसको ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम जो है वो रिलीज होता है, तो ओवम के रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल की जो सेल्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है, ठीक है। क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन। मैं इसको बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाद में आगे की तरफ, वो हमें बाद में देखना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ, ये कहलाता है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है कि ओवरीज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, ट्यूनिका एल्बुजीनिया एंड ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर लेयर विच इज डेंस एंड कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड इनर लेयर विच इज लेस डेंस कॉल्ड मेडुला, जिसका सेंट्रल पार्ट जो है वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से, स्मूथ मसल से और नर्व फाइबर से। ये थोड़ा सा ओवरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं और अच्छे से भी देखते हैं। अब अगर हम देखेंगे ओवरी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, देखिए ओवरी स्ट्रक्चर, इसको वेजाइना बोलते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सर्विक्स कहलाता है, उसके ऊपर एक है थोड़ा सा यूट्रस कहलाता है जो कि पियर शेप का होता है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो ओवरी कहलाता है, जिसको आपने पीछे पढ़ा है। इस ओवरी को कैप्चर करने के लिए फिम्ब्री होता है, उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें थोड़ा सा देखने को मिलती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है फीमेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। फीमेल एसेसरी डक्ट, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। फीमेल एसेसरी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। और उस ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद है यूट्रस, उसके बाद है वेजाइना, ठीक है। ये तीन पार्ट फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर आते हैं। ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, मैं उसको समझाने वाला हूँ धीरे धीरे, वन बाई वन। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई भी गई हैं, आप इसको देख लीजिए। देखिए फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब देखिए ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब है, यानी ऐसी ट्यूब है जो मस्कुलर है, और जो कि ख़त्म होती है कहाँ पे, इनफंडिबुलम पे। कहाँ पे, इनफंडिबुलम पे ख़त्म होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है बता रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट मैं इसको थोड़ा सा इसका कलर बदले दे रहा हूँ, आप देखिए ज़रा, ये वाला पार्ट की बात हम कर रहे हैं, ये वाला ये इनफंडिबुलम कहलाता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो इनफंडिबुलम है वो भी इंड होता है, वो भी ख़त्म होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको फिम्ब्री कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको फिम्ब्री कहा जाता है। और इस फिम्ब्री का काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम, यानी ओवम का कलेक्शन कहलाता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए
ये आप देखिए कि ये वाला, जैसा कि मैंने पार्ट आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे बताता हूँ, ऐसे ये वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा गया, ओवरी कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, ओवरी कहा गया, ठीक। आगे देखिए ये वाला जो पार्ट है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहा गया, इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम, इसको कहा गया इनफंडिबुलम। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे कहा गया फिम्ब्री, देखो लिखा भी है फिम्ब्री लिखा गया, ठीक है, फिम्ब्री कहा गया, ये देखिए तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिम्ब्री कहलाता है, और इसका काम होता है कि ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी से जो एग रिलीज होगा, यानी जो एग रिलीज होगा उसको ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कैप्चर करेगा, कैप्चर कौन करेगा, तो फिम्ब्री करेगा, और फिम्ब्री इसको कैप्चर करके इनफंडिबुलम क्रॉस करेगा, इनफंडिबुलम फिर आगे फेलोपियन ट्यूब की तरफ लेके जाएगी, यानी पूरा फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा ही है, लेकिन ये आगे की तरफ जो है वो थोड़ा सा इसको ट्रांसफ़र करेगी, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे बताना था इसमें। अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि कलेक्शन ऑफ ओवम में कौन हेल्प करता है, तो वो ये बताएगा कि वो फिम्ब्री करता है, ठीक है, फिम्ब्री कलेक्शन ऑफ ओवम करता है। अब यहाँ पे देखिए एक जंक्शन है जिसका नाम है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाता है, ये हिस्सा, इस रीजन को बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन की साइट है, यानी यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता ही है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आप यही नाम जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े हम, फेलोपियन ट्यूब हो गया, अब यूट्रस जो है वो हमारा पॉइंट बनता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यूट्रस क्या है, तो सबसे पहली बात यूट्रस सिंगल है, सिंगल मतलब एक है, जिसके ओम्ब कहा जाता है, ओम्ब कहा जाता है, ठीक है। ये इसका जो शेप है वो है इन्वर्टेड पियर लाइक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा नाशपाती के एक अनुसार, ठीक है, उसी की तरह, तो वही लिखा है इन्वर्टेड पियर शेप, ये सिंगल होता है, ओम्ब बोलते हैं, ठीक है, यूट्रस को। अगर देखिए ये सपोर्टेड बाई लीगामेंट्स, यानी ये लिगामेंट्स के द्वारा जो है वो सपोर्टेड होता है, इसकी इसकी जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी थिकनेस होती है, ठीक। ये जो यूट्रस होता है वो वेजाइना में ओपन होता है, किसके द्वारा, सर्विक्स के द्वारा, फिर वेजाइना जो है वो बर्थ कैनाल बनाती है, और सर्विक्स जो है वो सर्वाइकल कैनाल बनाती है, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल बनाती है। देखिए ये जो वेजाइना है ना, ये बर्थ कैनाल है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, बर्थ कैनाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बर्थ कैनाल बनाएगी, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, सेम हो रहा है, ठीक है, बर्थ कैनाल बनाएगी। सर्विक्स जो है वो सर्वाइकल कैनाल बनाएगा, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल बनाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल कैनाल बनाएगा। यूट्रस जो है वो सिंगल है, जिसे ओम्ब कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि इन्वर्टेड पियर शेप का है, ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैं इसमें बता ही चुका हूँ, क्लियर। आगे देखिए, आगे लिखा है कि ये जो यूट्रस है ना, इसमें तीन लेयर्स पाई जाती हैं, यानी यूट्रस की जो वाल है उसमें तीन लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ अगर देखेंगे तो वो थिन होती है, पतली होती है, जिसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है, जो कि मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है, क्या होती है, मेम्ब्रेनस होती है। मिडिल दूसरी जो लेयर है, मैं इसको पहली मान लेता हूँ, इसको दूसरा मान लेता हूँ, दूसरा मान लेता हूँ, इसको ये दूसरी वाली होती है मिडिल, बीच की होती है, जो कि थिक होती है, जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, इस मायोमेट्रियम जो है वो थोड़ा सा स्मूथ मसल की होती है। तो देखिए मैंने पहले बताया कि पहली लेयर थिन है, जिसको पेरीमेट्रियम कहा गया, और ये मेम्ब्रेनस होती है, पतली सी होती है, दूसरी होती है जिसको मिडिल बोलते हैं, जो कि थिक होती है, और इसे इसका नाम मायोमेट्रियम है, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी, ये ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, यानी बच्चे की जब डिलीवरी होती है तब इसका काम जो है वो आता है। थर्ड है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर होती है, ग्लैंडुलर होती है, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर होती है, सबसे अंदर का होता है, ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंडुलर का मतलब इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, यानी साइक्लिकल चेंजेस इसके अंदर होते हैं, यानी साइक्लिकल का मतलब होता है मंथली चेंजेस होते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक। दूसरा है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हेल्प करता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, डिलीवरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, ओके। चलिए आगे की तरफ बढ़ें, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, हमने इसको बताया आपको यूट्रस के बारे में। अब चलिए, अब नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है, वेजाइना हम बोलते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ, पहले अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
वेजाइना अगर हम देखेंगे तो ये एक ट्यूब है, ठीक है। अब उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए लिखा इट इज़ ए 10 सेंटीमीटर ट्यूब। पहला क्या है कि वेजाइना जो है वो एक 10 सेंटीमीटर का ट्यूब है जो कि हाईली फोल्डेड है। हाईली फोल्डेड का मतलब होता है इसकी इसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है बल्कि उसके अंदर उभार है, ठीक है, जिसको हम हाईली फोल्डेड बोलते हैं। इसके अंदर की जो एपिथेलियम है उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। आगे देखिए ये सर्विक्स से खुलता है, ओपन सर्विक्स टू आउटसाइड, ठीक है, ओपन सर्विक्स टू आउटसाइड यानी सर्विक्स के बाहर का एरिया है ये, ठीक है, सर्विक्स के बाहर का एरिया जहाँ सर्विक्स ख़त्म होता है आउटर रीजन में वहाँ की तरफ है, ठीक। इसकी जो ओपनिंग है उसको वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं, ठीक है, और इस वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम हिमेन है। क्या है? हिमेन है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेनस होती है, पतली सी एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हिमेन बोलते हैं और ये वेजाइनल ऑरिफिस पे पाई जाती है, इसकी ओपनिंग कहलाती है। अब देखिए इसमें फंक्शन क्या है वेजाइना का। इसका फंक्शन ये है कि कॉपुलेशन के दौरान यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मेल पेनिस को रिसीव करना किसका काम होता है? वेजाइना का, ठीक है। दूसरा है अलाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो को अलाउ करता है। दूसरा सर्व एज ए बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल के रूप में भी वर्क करता है। कब? पार्चुरेशन के दौरान, ठीक है, पार्चुरेशन के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान ये बर्थ कैनाल के रूप में भी वर्क करता है। तो ये इतना काम होता है किसका? वेजाइना का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर है, एसोसिएटेड है, ठीक है। आगे देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर यहाँ इतना ये वाला इतना स्ट्रक्चर जो है वो वेजाइना का स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यही जो है वेजाइना कहलाता है, ठीक है, जो कि एक ट्यूब है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये पूरे सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो रिलेटेड थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ें। अब आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए ध्यान रखिएगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है कि ये एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स की तरफ पाए जाते हैं, उसे हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस क्या है? ये आप समझ लीजिए एब्डोमेन के नीचे एक फैटी टिश्यू, एक पैडेड फैटी टिश्यू का एक एरिया होता है जिसमें स्किन के ऊपर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी जो है वो हेयर्स पाए जाते हैं। आगे देखिए लिखा है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो लेबिया मेजोरा है वो एक फ्लेशी फोल्ड है, फ्लेशी फोल्ड है, एक फोल्ड है जो कि एक्सटेंड करता है मॉन्स प्यूबिस तक, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस तक एक्सटेंड करता है, ये फ्लेशी फोल्ड होते हैं। आगे लिखा है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये पेयर्ड फोल्ड होते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जाते हैं, यानी उसके जस्ट नीचे पाए जाते हैं। अगला है दिसक क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का मतलब होता है हिल, एक छोटी सी पहाड़ी, क्लाइटोरिस कहलाता है। ये एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि लेबिया मेजोरा के लेबिया मेजोरा के नीचे होता है और ये सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सेंसिटिव होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी को अराउज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेक्सुअल एक्टिविटी को अराउज करता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी को अराउज करता है और ये होमोलागस है किसके? ग्लैंड्स पेनिस के, ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस के जो है वो होमोलागस है, यानी इसके अंदर जो बहुत ही सेंसिटिव नर्व्स पाई जाती हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अराउज करती हैं या प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। तो ये क्लाइटोरिस कहलाता है, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम देखें, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब हम हमने हमारी डक्ट सारी हो गई, अब हम पढ़ेंगे फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स कहलाती हैं। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स देखिए क्या है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, इसी को वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, इन सब का पूरा जो एरिया है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। और इस तो ये फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स कहलाता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो पूरा एरिया है उसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टिब्यूल। और उस वेस्टिब्यूल में जब पूरा एरिया वेस्टिब्यूल कहलाया जाएगा तो उस वेस्टिब्यूल में पाए जाने वाली जितने भी ग्लैंड्स हैं उसे वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स कहा जाएगा। अब देखिए वो कौन कौन सी ग्लैंड हैं जो इसमें पाई जाती हैं, तो मैंने एक तरफ इधर लिखा है और एक तरफ इधर लिखा है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, जिसको हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं या हम उसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ स्किनी, ठीक है, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्किनी, तीनों एक ही नाम है। देखिए क्या है,
ये स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत पाई जाती हैं, यानी कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। दिखा है बोथ साइड ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी यूरेथ्रा जहाँ है, यूरेथ्रा जहाँ है उसकी ओपनिंग के दोनों साइड पर पाई जाती हैं, ठीक है, उसकी ओपनिंग के दोनों साइड पर पाई जाती हैं, यानी बोथ साइड पर पाई जाती हैं। आगे लिखा होमोलागस टू मेल प्रोस्टेट, ये जो मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड थी ना, बिल्कुल उसी के समान है, होमोलागस है, ठीक है। सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रीट करती है, ठीक है, जो एसिडिटी को कम कर देता है, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं, इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको बर्थोलिंस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, बर्थोलिंस ग्लैंड कहा जाता है। ये एक पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड का मतलब होता है जोड़ी वाली ग्लैंड, ठीक है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पे होती है, वेजाइनल ओपनिंग जहाँ है उसके दोनों साइड पे होती है, और ये मेल के काउपर ग्लैंड के होमोलागस होती है, यानी जो काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउपर्स ग्लैंड करता है वही यहाँ पे बर्थोलिंस ग्लैंड भी करती है, वही लिखा है कि ये होमोलागस है, ठीक है। आगे लिखा है सिक्रीट विस्कस फ्लूड, यानी ये विस्कस फ्लूड को, एक चिकनेदार फ्लूड को सिक्रीट करता है। आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्सुअल अराउजल के लिए जिम्मेदार है और ये इंटरकोर्स करने के लिए जो है वो प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है जिसको बर्थोलिंस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और आगे देखिए, ठीक, आगे की तरफ बढ़ें। ये जो बहुत ही मेन ग्लैंड्स है जो जो कि बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे मेमरी ग्लैंड, क्या बोलेंगे, मेमरी ग्लैंड इसको कहा जाता है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या है, उस चीज़ के बारे में पढ़ लें। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो ग्लैंड है मैं उसको पहले थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए, ठीक है। ये देखिए, ये पहली चीज़ ये है कि ये ग्लैंड जो है वो पेयर्ड है, कैसी है, पेयर्ड है। दूसरी चीज़ ग्लैंडुलर है और प्लस इसमें फैट है, यानी ये पेयर्ड ग्लैंड है और ग्लैंडुलर भी है और इसमें फैट भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स का मिलकर बना होता है, यानी छोटे छोटे लोब्स होते हैं जिन्हें मेमोरी लोब्स कहा जाता है, ये 15 से 20 होते हैं, यानी 15 to 20 होते हैं, ठीक। और इनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये जो लोब है ना उनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कि एल्वियोलाई जो है वो मिल्क को सिक्रीट करता है जो कि एल्वियोलाई के ल्यूमेन में स्टोर होता है, ठीक है। एल्वियोलाई मिल्क को सिक्रीट करता है, यानी इसकी सेल्स जो है वो मिल्क बनाती हैं और ये एल्वियोलाई के ल्यूमेन के अंदर जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो ल्यूमेन है, यानी जो ल्यूमेन है वो ट्यूब्यूल में, जब यानी जो ल्यूमेन है वो ओपन्स होता है कहाँ पे, ट्यूब्यूल में, और ये ट्यूब्यूल आगे चल के क्या बनाता है, तो ये डक्ट बनाता है, क्या बनाता है, डक्ट बनाता है, और ये डक्ट खुलता है कहाँ पे, एम्पुला में, ठीक है, कहाँ खुलता है, एम्पुला में खुलता है, ठीक है। तो पहले ल्यूमेन से ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से डक्ट और डक्ट से एम्पुला, ठीक। आगे क्या लिखा है कि जो एम्पुला है वो लैक्टिफेरस डक्ट में की तरफ लीड करता है, आगे बढ़ता है और वहाँ से मिल्क को जो है वो सकआउट कर लिया जाता है बच्चे के द्वारा, ठीक है, सकआउट कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा देखा हमने। अब आइए इसमें हम थोड़ा सा इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखूं कि आपको यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, या इसी को हम बोलते हैं लोब्स, ठीक है, लोब्स बोलते हैं। इस लोब्स के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लोब्स कितने हैं, 12 to 20 लोब्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसको अगर थोड़ा सा यहाँ जूम किया जाए, देखिए यहाँ पे जूम करके यहाँ पे दिखाया भी गया है कि इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एल्वियोलाई कहलाता है, ठीक है, एल्वियोलाई कहलाता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर, देखिए ये ग्रेप्स के जैसा है, और तो ये बहुत सारी जो एल्वियोलाई है ये देखिए इसके अंदर मेमोरी सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, मेमोरी सिक्रीटिंग एपिथेलियल सेल्स, यानी इसमें एपिथेलियल सेल है जो मेमोरी सिक्रीट, यानी मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिल्क, ठीक है, तो मिल्क सिक्रीट करती हैं, और जब ये सिक्रीट करती हैं तो इसी के ल्यूमेन में स्टोर हो जाती हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर स्टोर होती हैं। उसके बाद में बहुत सारे एल्वियोलाई जो है वो ओपन करती हैं लैक्टिसिफेरिक डक्ट में, ठीक है, लैक्टिसिफेरिक डक्ट के अंदर जो है वो ओपन होती हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, बाद में ये लैक्टिफेरस आगे चल के लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है, जो कि कंटेन स्मॉल ड्रॉप ऑफ मिल्क इन नर्सिंग मदर,
ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये आगे चल के जो है वो निपल में ओपन होता है और निपल के चारों तरफ एक डार्क सर्कल का एरिया है जिसे एरियोला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरियोला। ठीक है, एरियोला बोलते हैं। ओके, उसे हम एरियोला बोलेंगे। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये मेमोरी ग्लैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो हुआ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो पेयर्ड है। ठीक है, वो क्या है? पेयर्ड है, ग्लैंडुलर है, जिसमें फैट भी पाया जाता है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई मिल्क को सिक्रीट करता है और एल्वियोलाई के ल्यूमेन में स्टोर हो जाता है। ल्यूमेन जो है वो ट्यूब्यूल से ओपन करता है, बाद में वो जाके एम्पुला में हो जाता है। एम्पुला जो है लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा बाहर सक कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिली। अब आइए, आपका काम है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें। ओके, ठीक है, आगे की तरफ वीडियो है जो है वो हम आगे की तरफ भी बढ़ाएंगे। थैंक यू।